नमस्कार दोस्तों, मार्केट का अपडेट आज रहेगा। देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट मौजूद है। निफ्टी लास्ट 2 दिन से, यानी जो ओवरऑल मार्केट है, बाजार 2 दिन से बहुत ही वोलाटाइल है। ऊपर जा रहा है, कभी ऊपर खुल के नीचे बंद हो रहा है, नीचे जाके फिर से ऊपर के तरफ आ रहा है, तो वोलाटिलिटी जारी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म या थोड़ा सा मीडियम टर्म के चार्ट देखेंगे 2-3 महीने का, तो आप देखेंगे कि इस वोलेटिलिटी एक रेंज बाउंड ये मार्केट मूव कर रहा है। आपके सामने रेंज मैंने 2 ड्रॉ करके रखा हूं आप लोगों के लिए, जो मैं ये देखिए 18,500 से लेके 18,600 जो रिसेंट टाइम का आपका जो ये हुआ था, हाई हुआ था सितंबर अक्टूबर के आसपास ये, और जो ये रिसेंटली एक लो भी बना था जो 16,300 के 300 से लेके 16,400 ये बैंड के आसपास, और एक ये जो लाइन है वो आपको दर्शाता है, यानी ये लाइन आपका रिसेंट हाई का, और ये आपका अगर लाइन देखेंगे जो रिसेंट सपोर्ट के तरह काम करता है, ये 2 रेंज के अंदर ही निफ्टी ऊपर, बाजार पूरा देखिए ऊपर नीचे ऐसा कर रहा है। अभी आज के दिन में अगर बोलेंगे तो ये मिडिल में ट्रेड कर रहा है इस रेंज का, तो कोई भी मिडिल में जब ट्रेड करता है तो ऐसे ही वोलेटिलिटी रहेगा। आप कोई भी तरफ का एग्जैक्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक टाइप में रेंज को ब्रेक करने दीजिए, वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है। मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया, रेंज को डिसिसिवली ब्रेकआउट किया, फिर निफ्टी में एक ऊपर की तरफ चाल, बाजार में ऊपर की तरफ चाल बन सकता है। रिवर्स वे में कब ट्रेड लेना, जो लोग ट्रेड करते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी कब थोड़ा सा लमसम, थोड़ा सा टॉप अप करने के लिए सोचेंगे, जब लोअर लेवल थोड़ा सा ब्रेक होगा या लोअर लेवल के पास आएगा तब थोड़ा सा टॉप अप करने के लिए सोचिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है सपोर्ट लेवल उसको आप तब नजर में बना के रखिएगा। तो अगर निफ्टी ये रेंज को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनता है जो 15,000 से लेके 15,200 के आसपास, देखिए देखने में थोड़ा सा बिग वैल्यूज लगेगा, मतलब बिग रेंज लगेगा, लेकिन ये मैंने आप लोगों के साथ वीकली चार्ट ड्रॉ करके भी दिखाया था, जहां पे थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मैंने ड्रॉ किया था। डेली में तो ये जो रेंज अभी दिख रहा है कि नियर टर्म में आपका 17,000, एकदम शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे तो 17,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद जो रीसेंट लो बनाया है 16,400 से लेके 16,500 ये एक सपोर्ट जोन है। तो जब भी सपोर्ट जोन में आता है तब कुछ खरीदने के लिए, थोड़ा अमाउंट खरीदने के लिए सोचिएगा, बट रेडी रहिएगा कि सपोर्ट भी टूट सकता है। बार बार अगर सपोर्ट में आएगा तो एक बार सपोर्ट टूटने का भी चांसेस है, उसके लिए भी प्रिपेयर होने रहना है, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट में यही दिक्कत रहता है कि आप कौन सा रेंज को प्ले आउट करेंगे। तो एक प्लॉय हो सकता है, आप कुछ भी ना करें, रेंज को प्ले आउट होने दीजिए, जब भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी आप ट्रेड लीजिए, तभी आप इन्वेस्टिंग के लिए सोचिए, ऐसा एक प्लॉय रख सकता है। आप लोग SIP तो कर ही रहे हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड के द्वारा कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, वो लोग भी आप लोग जब सपोर्ट जोन में आए तो खरीदने की कोशिश कीजिए, और ऊपर के जोन में जब जाए तब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचिए। ऐसा ही प्लॉय रहना चाहिए, बाजार ऐसा कर रहा है। अभी आ जाएंगे, मैं मल्टीपल चार्ट ओपन करके आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों के पास IT सेक्टर का फंड्स है, IT सेक्टर में बहुत सारा स्टॉक्स के ऊपर उन लोगों का व्यू है, तो मल्टीपल चार्ट में ये चीज पता लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका किस सेक्टर में ज्यादा है मार्केट के हिसाब से। तो देखिए, ये आपके पास 3 चार्ट मैंने ओपन करके रखे हैं, निफ्टी 50 का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये आपका निफ्टी IT का चार्ट है। तो देखिए, पहले IT सेक्टर में आ जाते हैं। IT सेक्टर रिलेटिवली थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में जो ओवरऑल मार्केट है, ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद ये रेंज में मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, मिडिल में है रेंज का। लेकिन अगर आप IT सेक्टर में देखेंगे, IT सेक्टर का चार्ट ये नहीं बोलता है। IT सेक्टर का आप देखिएगा, रेंज का लोअर हिस्से में वो ज्यादातर टाइम बिता रहा है, जो कि एक वल्नरेबल होता है
ब्रेक होने का मतलब डाउनसाइड ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहता है अगर आप रेंज का लोअर हिस्से में ज्यादा टाइम बिताएंगे तो। वही हो रहा है, देखिए ये क्लियरली एक आपका जोन है जो सपोर्ट जोन या फिर कंसोलिडेशन जोन आप बोल सकेंगे, ये चालू हुआ है लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास से और वही आप देखिए अभी भी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं मतलब तीन चार महीने महीने से एक ही रेंज को फॉलो कर रहा है और उसका भी लोअर रेंज में है। तो ये अगर रेंज टूटता है आईटी में तो आईटी थोड़ा सा नीचे और भी वीक हो सकता है। तो आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें है, थोड़ा सा कमिंग क्वार्टर में रिजल्ट देखना है कि कैसे परफॉर्म करता है। अगर रिजल्ट फिजल्ट अच्छा हुआ तो शायद इसमें फिर से जान आ सकता है, लेकिन फिलहाल आज के दिन में चार्ट तो यही बोल रहा है कंपैरेटिवली वीक सेक्टर है ये। हाँ हो सकता है नीचे से अभी बाउंस भी आपको मिले, लेकिन जब तक ये हाई रिसेंट हाई को क्रॉस ना करते हैं तब तक उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आएगा। रेंज को ब्रेकआउट करने दीजिए उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा सेक्टर के ऊपर। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसीलिए शायद जो आपका निफ्टी भी है सेंसेक्स है वो थोड़ा सा होल्ड अभी भी कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी वीकनेस ज्यादा दिखाता तो मतलब आईटी सेक्टर के साथ साथ तो थोड़ा सा मुश्किल होता। आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही है जो सारी सेक्टर है, लेकिन फिर भी उसमें देखिए ये करके ये हायर हाई थोड़ा सा बनाने का कोशिश जारी है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये है। अभी आप बोल सकते हैं रेंज का मिडिल में है, आईटी जैसा रेंज का एकदम नीचे के तरफ नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है बाजार में, क्योंकि बाजार में बैंक निफ्टी का वेटेज ज्यादा रहता है तो ये प्ले हो रहा है। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी भी नीचे रेंज का नीचे इस हिस्से में रहता तो ओवरऑल आप निफ्टी को निफ्टी शायद अब तक ये रेंज का नीचे ब्रेकडाउन दे देता। तो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड दिखा रहा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन आईटी और बाजार का तो मैंने बताया ही। इस बाजार में कोशिश कीजिएगा दो टाइप के, आप कौन से टाइप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देख लीजिए, मतलब आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं द्वारा या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, दो पूरा क्लियर डिफाइन होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो लोअर रेंज में जब जब आएगा जब जब आपको मिलेगा तब आपको मौका ढूंढना है, अच्छा म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा टॉप अप करना है, अच्छा स्टॉक में थोड़ा सा खरीदारी करना है, ऐसा आपका प्लॉय रहना चाहिए और रेडी रहना है कि नीचे का जो लेवल है वो भी टूट सकता है रेंज। जब टूटेगा तो आपको वेट कर जाना है नीचे का, फिर से जब सपोर्ट आएगा जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, जब आपको सपोर्ट फिर से आएगा यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है मान लीजिए यहाँ पे टूट के यहाँ पे आ गया, ये जो रेंज है इसको टूटने के बाद, ये रेंज टूटने के बाद 16,400 टूटने के बाद 15,200 में आया है। तो यहाँ पे भी अपना थोड़ा सा पैसा हाथ में रखना चाहिए कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एवरेज आउट कर पाए। तो इसीलिए ज्यादातर टाइम पूरा फुल पैसा एक ही लेवल में इन्वेस्ट कर देना ठीक नहीं होगा। हाथ में मैं बार बार जो बोल रहा हूँ रेंज बाउंड मार्केट में हाथ में पैसे को रखिए, ज्यादा एग्रेसिव मत होइए। अब एग्रेसिव कब होना है थोड़ा सा ज्यादा आप कब करेंगे, जब जब मेन इंपॉर्टेंट रेंज के पास आएगा जैसे कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट में मैंने बताया 13,000 के आसपास वो है निफ्टी का लेवल में, वहां पे अगर जब आएगा तो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना है। ऐसा इन्वेस्टर लोगों के लिए है, ट्रेडर लोगों के लिए आप अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो हायर रेंज में आपको बेचने का मन रहना चाहिए स्टॉप लॉस रख के और नीचे के लेवल में आपका खरीदने का मन रहना चाहिए। ऐसा करके आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।